असलम डियर स्टूडेंट्स ये जो क्लास है ये टेंथ के लिए हैं और आज का जो टॉपिक है आपका दैट इज फायल ऑपरेशन डियर स्टूडेंट्स इससे पहले मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बताया कि फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है प्रोसेस मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट पैराफेडल डिवाइस यानी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट जो सारा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है दैट्स अ मास्टर कंट्रोलिंग प्रोग्राम नाउ वी हैव अ फाइल ऑपरेशन आज का टॉपिक जो है ये फाइल ऑपरेशन की फाइल ऑपरेशन काम कैसे कर करता है कि फाइल काम कैसे कर करता है और फाइल में क्या क्या चीजें आप रख सकते दैट स्टोर डेटा इन्फॉर्मेशन सेटिंग्स और कमांड्स यूज इट अम्प्यूटर प्रोग्राम एक फाइल क्या होता है एक ऑब्जेक्ट है नॉर्मली है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक छोटा सा प्रोडक्ट है या एक ऑब्जेक्ट है जिसमें क्या रखते हैं आप ये कंप्यूटर में एक छोटा मोटा फोल्डर होता है फाइल तो फाइल में क्या करते इस छोटे फोल्डर में क्या करते आप स्टोर करते हो क्या डेटा आपका इंफॉर्मेशन आपकी सेटिंग्स आपके फोटोज वीडियोस पिक्स मूवीज यू हैव जितना भी आपके ऐप के पास डेटा है वो आप फाइल्स में रखते हैं क्योंकि आपको फाइल्स में उसे सेफ लगता है कि हमने फाइल्स में क्योंकि अगर आप बाहर बाहर उसे रखेंगे विंडोज में आ, बिल्कुल रैंडमली रखेंगे उसे तो उसमें आपका क्या होगा Uh, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट फाइल है वो बाहर रहेगी उसके साथ एमपी आएगा उसके साथ वीडियोज आएंगे उसके साथ ऑडियोज आएंगे तो आपको फिर बाद में पता नहीं चलेगा कि मुझे कहां से फाइल ढूंढनी है कहां से तो आपको दिक्कत होगी दैट्स अ फाइल ऑपरेशन इज नीडेड तभी हम एक फाइल रखते हैं फाइल में हम फाइल uh, का नाम रखते हैं जैसे एमपी थ्री वीडियोज ऑडियोज वेडिंग फोल्डर है ना तो ये चीजें होती है आपके देन इन ए जी यू आई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सच एज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जैसे हमारे पास है अभी ये हमारा जो भी स्क्रीन है आपके सामने ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है एक तो मैं हूं एक ये ग्राफिक्स है इसके और ग्राफिकल यूजर और हमारा इंटरफेस है ठीक है सच एज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और जो विंडोज हमारे पास है अभी फाइल इज डिस्प्ले एज आइकन दैट रिलेट टू द प्रोग्राम दैट ओपन द फाइल ये वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विंडोज है जो डिस्प्ले करती है आपके आइकन जो रिलेट होती है तुम्हारे प्रोग्राम और जो आपके फाइल को ओपन करना जानते हैं और उसे ओपन भी करते हैं फिर डे uh, स्टूडेंट्स हमारा दूसरा टॉपिक है दैट इज प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस यानी आप अपने चाहे आपके पास सेल फोन हो चाहे आपके पास uh, टैब हो चाहे आपके पास नोट हो चाहे आपके पास लैपटॉप आप हो या पर्सनल कंप्यूटर हो तो आप उसे अपने डिवाइस को कैसे बचाओगे अगेंस्ट वायरसेस कि आपके सिस्टम में अगर वायरस का थ्रेट है अटैक्स है मालवेयर है कुछ भी है देर आर टाइप्स ऑफ वायरसेस जो आपने नाम भी नहीं सुना होगा सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वी आई आर इसकी फुल फॉर्म क्या है इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज तो ये वायरस की हिस्ट्री क्या है बेसिकली वायरस जो पहली बार आया था दुनिया में ये वाज इट वाज फाउंड इन 1970 1970 में वायरस पाया गया था इन द जब क्या हुआ था डिफेंस यूनिवर्सिटी ऑफ इसराइल इसराइल की जो डिफेंस यूनिवर्सिटी है वो क्या हुआ था वहां पे आ, वो हैक हुआ था ठीक है यानी कि डिफेंस सिस्टम की जो यूनिवर्सिटी है इसराइल की डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है जहां पे डिफेंस यानी फोर्सेस को मिलिट्री को या पैरामिलिट्री को या न, न, क्या एयर फोर्स को उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें उन्हें पढ़ाया जाता है वहां पे तो उस यूनिवर्सिटी में यह वायरस पाया गया था सबसे पहले दुनिया का वायरस 1970 में पाया गया था और जिसके जिसको बाद में क्या रखा गया था नाम इटालियन पिंग पोंग वायरस उसका नाम रखा गया था जो पहला वायरस था उस टाइम इटालियन पेंग पोंग उसने सारे सिस्टम उनके आ, क्या किए थे डाटा हैक किया था और उनके सिस्टम सारे हैंग हुए थे उस टाइम पे ठीक है देन अब हम देखते हैं कि वायरस से बचने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक एंटीवायरस होना चाहिए जो अप टू डेट होना चाहिए जैसे मैं पहला पॉइंट बताऊंगा कीप योर सॉफ्टवेयर अप टू डेट सॉफ्टवेयर का मतलब यह होता है यहां पे इस वायरस के अगेंस्ट आपने एंटीवायरस रखना है तो एंटीवायरस काम करेगा आपके सिस्टम के लिए ठीक वो वायरस से आपको बचाएगा डोंट क्लिक ऑन द लिंक्स वन ई मेल्स यानी ई मेल्स में आपको स्पैम्स आते हैं ज्यादा तो उस स्पैम्स में होता क्या है वहां पे कोई ऑफर आता है आपको भाई यहां पे क्लिक करिए आपको इतना पैसे मिलेंगे दैट मीन्स कि आपको वहां पे उसे इग्नोर करना होगा या डिलीट करना होगा वो वाला ई मेल बिकॉज जो जो वो ईमेल है दैट्स कॉल्ड स्पैम वो स्पैम होता है और आप जब क्लिक करेंगे उस पर तो आपके डेटा को खतरा होता है या आपके सिस्टम को खतरा वो मालवेयर हो सकता है वो बग हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है यूज फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये तो पता ही आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो अपटूडेट होना चाहिए देन बैकअप योर कंप्यूटर आपको जब भी लगे कि मेरे कंप्यूटर को खतरा है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे आप अपने कंप्यूटर के डेटा का बैकअप उठा के रखिएगा हमेशा जैसे आपके पास कोई हार्ड डिस्क है आपके पास डीवीडी है आपके पास पेन पेनड्राइव है तो उनमें आप कंप्यूटर का सारा डेटा एक बार जमा कर दें क्योंकि अगर आप वहां स्टोर नहीं करेंगे तो कभी भी आपके कंप्यूटर में आपका हार्ड डिस्क क्रैश हो सकता है या आपका सिस्टम बूट फेलियर हो सकता है तो ये चीज आपको फिर बाद में परेशानी कर देते हैं तो यूज अ स्ट्रांग पासवर्ड जब भी आप ऑनलाइन काम करें चाहे ऑफलाइन काम करें तो कंप्यूटर में एक स्ट्रांग पासवर्ड आप रखें और हर साइट में आप अपना स्ट्रांग पासवर्ड यूज करें यूज अ फायर वॉल बच्चों हमेशा याद रखना जैसे इंसान में एक कुवत होती है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं जो बीमारियों से लड़ने के लिए ताकत होती है ठीक है इसी तरह सेम इज द केस कंप्यूटर में फायरवॉल होता है फायरवॉल क्या करता है जो वहां से डेटा आता है ना उससे छन्नी में निकाल कर ये यानी कि एक जाली की तरह जैसे आप रेत को छन्नी में न, क्या करे हो छानी में निकाल रहे हो तो रेत पतली रेत निकल जाती है और जो बड़े बड़े मोटे मोटे कंकर होते हैं वो फंस जाते हैं सेम इज द केस यहां पे कि एक फायरवॉल सिस्टम में इसी का काम करता है जो आपके डेटा को आपके हर आने वाली चीज को क्या करता है फिल्टर कर करके भेजता है ठीक है आपके सिस्टम में देन मिनिमाइज डाउनलोड्स जितना आप डाउनलोड ज्यादा कम करें तो ठीक ही होगा कि डाउनलोड्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए हाँ डाउनलोड्स करो आप लेकिन बड़े ध्यान से करो ठीक है और बहुत कम करो यूज ऑफ पॉप अप ब्लॉकर हमेशा याद रखना कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे काम करते आपने देखा होगा आप, आपके फोन में जब भी आप कोई वेबसाइट चलाते हो कुछ भी चलाते हो तो आपके फोन में या कंप्यूटर में पॉप अप्स आते हैं पॉपअप्स होते हैं छोटे छोटे वो एड जैसे आते हैं आपके स्क्रीन पे वो ब्लॉक कर देते हैं आपकी स्क्रीन को तो आपको बड़ी दिक्कत होती है हो पॉपअप से तो इसीलिए आपको पॉपअप ब्लॉकर रखना होता है जो उन पॉपअप को ब्लॉक कर देता है ये भी एक सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर है पॉपअप ब्लॉकर एप्लीकेशन है जो आपके सिस्टम में हमेशा यूज होती है और आपके पॉप को बचाती है क्योंकि पॉपअप हमेशा आपको इरिटेट करते हैं ज्यादा तो डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना काफी है इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़